ऑटो से सवारियों के गहने और नकदी उड़ाने वाली महिला गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला साइत्रा अरुण खड़ से और नीतू रवि खड़ से रामटेक रेलवे स्टेशन फुटपाथ निवासी को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं ने दो घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। महिलाओं से 68,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 ने कार्रवाई की। इस मामले में ऑटो चालक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जो महिलाओं को ऑटो में बिठाकर ले जाता था। पुलिस के अनुसार शास्त्री वार्ड भंडारा निवासी दीपाली मूले ने दर्ज कराई शिकायत में पुलिस को बताया गया कि गत 6 अप्रैल को दोपहर 3:45 से 6:30 के बीच वह मां के साथ गणेशपेट बस स्टैंड से 3-सीटर ऑटो में अपने घर चीज भवन जा रही थी। उक्त दोनों महिलाएं ऑटो में पहले से ही बैठी थी। गणेशपेट से सीताबर्डी के बीच मौका पाकर दोनों ने छोटी बैग से गहने व नकदी 65,000 रुपए का माल चुरा लिया। वही दूसरा मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। शेषनगर खरबी निवासी जनार्दन ठेंगड़ी तिलक पुतला महल से 40,000 रुपए पेंशन निकालने के बाद 1,000 रुपए निकाल कर शेष 29,000 रुपए थैली में डालकर ऑटो में घर जा रहे थे। ऑटो में पहले से बैठी उक्त दोनों महिलाओं ने जनार्दन की थैली को चीरा मार कर 29,000 रुपए निकाल ली। जनार्दन ने पुलिस से शिकायत की। नागपुर शहरामध्ये पोलीस ठाणे गणेशपेठ या ठिकाणी दिनांक 6/4 रोजी महिला नामे दीपाली मुळे तिने तक्रार दिली की ती रिक्षातून प्रवास करत असताना दोन अनोळखी महिलांनी तिची नजर चुकून तिचे दागिने ज्या पर्समध्ये ठेवले होते आणि काही रोख रक्कम होती ती पर्स नजर चुकून चोरून घेतलेली आहे। त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता गणेशपेठ पोलीस हद्दीमध्ये। सदर गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 3 सर्व टीम आणि आम्ही स्वतः सर्वांनी त्या गुन्ह्याचा शोध आरोपीचा शोध घेणे कामे सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले। त्याद्वारे आम्हाला रिक्षाचा नंबर मिळाला आणि त्या आधारे आणि आमचे गोपनीय माहिती आहे त्याच्या आधारे आम्ही त्या आरोपित महिलांपर्यंत पोहोचलो। त्या महिलांना काल रोजी अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचं नाव आहे साईत्रा खडसे आणि नीतू खडसे, या रामटेकच्या राहणाऱ्या आहेत आणि सदरील महिला ह सरयत आहेत। यांच्यावर या अगोदरसुद्धा अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत। आणि नागपूर शहरामध्ये रिक्षामध्ये प्रवास करत असताना अनेक महिलांचे दागिने पैसे चोरीला गेल्याबाबतच्या तक्रारी दाखल आहेत। त्यानुसार आम्ही सर्व नागपूर शहरातील पोलीस स्टेशनला कळविण्यात आलेले असून या महिलांद्वारे अनेक गुन्हे उघडकीस येण्याची ताट शक्यता आहे। याद्वारे मी सर्व नागरिकांना हेच आवाहन करेल की पहिली गोष्ट, तुम्ही जेव्हा अनोळखी व्यक्तीसोबत रिक्षामध्ये प्रवास करता तेव्हा अतिशय खबरदारी घेतली पाहिजे, कारण की या महिला अशा अनेक महिला शहरामध्ये आहेत अशा प्रकारचे गुन्हे करतात, तर आपण खबरदारी घ्यायला पाहिजे। आणि जर तुमच्याकडून काही असा प्रकार घडला तुमच्यासोबत तर निश्चितपणे पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायलाच पाहिजे, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांना आपण आवर घालू शकतो। पुलिस ने जांच में फुटेज के आधार पर आरोपी साईत्रा खड़से और नीतू खड़से को गिरफ्तार किया। दोनों महिलाओं ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।